अलवर जिले के खेड़ली थाने के अंदर थानेदार भरत सिंह ने थाने के अंदर ही एक 26 वर्षीय महिला से दुष्कर्म किया था और फिर यह मामले का खुलासा कल हुआ था। लेकिन मैं आप सभी को बताता हूं कि इस मामले के अंदर आखिर हुआ क्या था और इसके बाद में अब इसमें कार्यवाही आखिर क्या कुछ हुई है। सबसे पहले मैं आप सभी को मामले की जानकारी देता हूँ। मामले के अंदर आप सभी को बता दूं कि एक 26 वर्षीय महिला थाने के अंदर एक परिवाद दर्ज कराने के लिए आती है। वह बोलती है कि उसका पति उससे तलाक लेना चाहता है लेकिन वह नहीं चाहती और इसी को लेकर के वह परिवाद दर्ज कराने के लिए आती है। लेकिन थानेदार भरत सिंह ने उस महिला को अपने पास में बुलाया, फिर उसके साथ में 2, 3 और 4, जी हाँ 2, 3 और 4 मार्च को थाना परिसर में ही स्थित सरकारी आवास पर उसके साथ में बलात्कार किया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि यह बलात्कार किया गया और फिर जब महिला ने इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई तो रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद में उसे गिरफ्तार किया गया भरत सिंह को और फिर कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद में उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब इसके आगे की कार्रवाई आखिर क्या हुई है, मैं आप सभी को इसके बारे में भी अवगत करवाता हूँ। आगे की कार्रवाई में अगर मैं आप सभी को बता दूं तो इसमें अब तक बलात्कार के आरोपी को जेल भेज दिया गया है, जो भरत सिंह थानेदार हैं उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप सभी को बता दूं कि इसमें हवालात के बजाय उस व्यक्ति को रीडर रूम के अंदर रखा गया है पूरी रात। जी हाँ, एक अपराधी को हवालात में बंद किया जाता है लेकिन उन्हें रीडर रूम के अंदर बंद किया गया। साथ ही साथ इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की कमजोरी भी नजर आई है क्योंकि यह पुलिस का ही मामला है। और इसमें एक और बड़ी बात सामने यह आई है कि मामले में पुलिस ने गंभीर रूप ना लेते हुए थाना परिसर स्थित जिस कमरे के अंदर यह बलात्कार किया गया था उस कमरे को सीज भी नहीं किया और वह कमरा खुला ही पड़ा हुआ है। तो आइए और इस मामले के अंदर क्या बड़े बड़े खुलासे हैं, हम आप सभी को उनसे अवगत करवाते हैं। थाने पे तैनात सब इंस्पेक्टर के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है, उसमें सब इंस्पेक्टर को अरेस्ट किया है। घटना जो महिला ने बताई है वो 2, 3 और 4 तारीख की बताई है और यही थाना परिसर की बताई है घटना। तो थाने में ही साइड में कमरा है जिसमें ये सब इंस्पेक्टर रहता है, ऑफिस और घर दोनों उसी में है, उसी एक ही कमरे में बना रखा है, उसमें घटनाक्रम बताया है। उस पुष्टि के होने के बाद आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो अभी तक की तफ्तीश थी उसमें चूंकि थाना परिसर की घटना और गंभीर घटना है तो हमने तत्काल जो है सब इंस्पेक्टर को अरेस्ट कर लिया। वहीं आप सभी को बता दूं कि बलात्कार के आरोपी थानेदार भरत सिंह को रात भर हवालात के बजाय रीडर रूम में रखा गया है। सुबह भी वह रीडर रूम में कुर्सी पर बैठा था और नियमानुसार किसी भी प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे हवालात में रखा जाता है। रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम भी रात करीब 3 बजे तक थाने में ही थे और उनके सामने भी आरोपी थानेदार को हवालात में डाला गया। सोमवार सुबह थाने के स्टाफ ने उसके लिए रीडर रूम में ही चाय पानी की भी व्यवस्था की और इसी संबंध में पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम का कहना है कि आरोपी थानेदार भरत सिंह को भी हवालात में रखने के निर्देश दिए गए थे। यदि उन्हें रीडर रूम में रखा गया है तो उसकी जांच करा करके उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि मामले में पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। थाना परिसर स्थित जिस कमरे में बलात्कार की घटना हुई थी उसे पुलिस अधिकारियों ने खुला छोड़ दिया है, दरवाजे पर न ताला लगाया और ना ही उसे सील किया। शाम तक कमरे के दरवाजे पर कोई ताला नहीं था और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम का कहना है कि इस कमरे में प्लाई लगा करके 2 पार्टीशन किए हुए हैं और अंदर वाले कमरे में बलात्कार की घटना बताई गई और उस कमरे को सील किया है। बाद में इस कमरे के बाहर के दरवाजे पर भी ताला लगा दिया गया। वहीं दौसा जिले में हाईवे निर्माण कंपनी से घूसखोरी का केस सामने आया है जिसमें एसीबी ने घूसखोरी केस में पेश चार्जशीट की है और आईपीएस मनीष अग्रवाल, दलाल नीरज मीणा और गोपाल सिंह के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। तीन
कार, 12 सवार और यूपी की युवती से राजधानी जयपुर में बलात्कार। ये कोई आम मामला नहीं है, इस मामले के अंदर कई बड़े खुलासे हुए हैं जो हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। आप सभी को बता दूं कि आज से 6 महीने पहले यानी कि लगभग अक्टूबर 2020 के अंदर एक यूपी की युवती के साथ राजधानी जयपुर के अंदर बलात्कार की घटना सामने आई है। आप सभी को बता दूं कि यूपी के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें उस युवती के साथ मारपीट भी की गई थी, उस युवती का बलात्कार भी किया गया था और उसमें कई लोगों की आवाज़ें भी मौजूद हैं। तो आप सभी को इस घटना के बारे में मैं जानकारी देता हूं। आप सभी को बता दूं कि इस घटना के अंतर्गत राजस्थान की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है जिसमें राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर मानसरोवर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोच लिया है। इसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि अक्टूबर 2020 के अंतर्गत 3 गाड़ियों के अंदर 12 लोग सवार थे। वह सभी 12 लोगों ने बारी बारी से अलग अलग गाड़ियों के अंदर युवती को बुला करके रेप भी किया है और यह मामला युवती ने अब जाकर के उजागर किया है। जब इसका वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, युवती ने डर के मारे इस वीडियो को वायरल भी नहीं किया था, लेकिन जब यह वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कार के अंदर कुछ युवकों द्वारा एक युवती के साथ गैंग रेप करने का मामला है और इस मामले की पूरी कार्रवाई की है मानसरोवर पुलिस ने और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने काबिले तारीफ तरीके से बहुत ही जल्द ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, कैसे पुलिस ने कार्रवाई की, इन सब की पूरी सूचना आप तक पहुंचाएंगे। देखिए हमारी बातचीत ACP यहाँ की, जो मानसरोवर थाने की जो ACP हैं उनसे हमारी पूरी बातचीत। अभी 2-3 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक लड़की के साथ रेप की घटना घटित होता हुआ दिखाई दे रहा था, उस लड़की के साथ मारपीट की घटना भी की जा रही थी। तो उसी घटना पे हमारे CP साहब के निर्देशन में, उनके क्विक रिस्पांस से, सबसे पहले हमारे CP साहब के निर्देशन में एडिशनल CP साहब, हमारे DCP साउथ और एडिशनल DCP साउथ के निर्देशन में हमारी पूरी कमिश्नरेट की टीम लगी इसमें उन आरोपियों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये लोग कौन लोग थे जिन्होंने इस घटना को घटित किया है। हमारी कमिश्नरेट की पूरी टीम इसमें लगी रही और उनकी मेहनत से ही हम लोगों ने इसी घटना के 2 मुलजिमों को बापरता गिरफ्तार किया है और उससे इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। और इस घटना में बाकी अन्य लोग जो शामिल थे उनके भी नाम हमारे पूछताछ में सामने आए हैं, उन लोगों की हम लोग जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। तो अभी इसमें आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? अभी हमने इनमें 2 लोगों को बापरता अभी गिरफ्तार किया है, बाकी उनसे अनुसंधान में और लोगों के नाम भी सामने आए हैं, उन लोगों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। वो दोनों राजधानी जयपुर के रहने वाले हैं या बाहर के हैं? नहीं, इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक है अभिषेक जो इंदौर का रहने वाला है, एक है संजू बंगाली जो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। उन 2 लोगों को हमने वापरता गिरफ्तार किया। तो इन लोगों की सूचना किस प्रकार हुई, मतलब जैसे वीडियो वायरल हो रहा था तो ये आरोपियों के आपने पता कैसे लगाया? उसमें हमारा टेक्निकल टीम जितनी भी थी, साइबर टीम थी, उन लोगों की वजह से कि ये घटना जो घटित हो रही है, कौन से मोबाइल से है, ये कौन लोग थे इसमें, और हमारे जो भी आसूचना तंत्र था उसके थ्रू उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था कि इस लोगों में कौन लोग शामिल थे। तो अभी पीड़िता ने भी FIR दर्ज कराई तो उसमें 2 लोगों के पीड़िता ने भी नाम बताए थे, तो उसमें क्लू मिलता गया और हम लोग उन लोगों तक पहुंचे फाइनली। लेकिन इस मामले का खुलासा लगभग 6 महीने बाद में हुआ है, तो इस 6 महीने के भीतर में क्या कई शिकायत दर्ज नहीं की गई या कोई ऐसा कोई मामला सामने आया? ये जो पीड़िता है वो बेसिकली UP की रहने वाली है, तो ये घटना घटित होते ही वापस चली गई थी। ये अक्टूबर 2020 की घटना है, इस लड़की ने कहीं नहीं बताया था, फिर जाके ये चीजें सामने आई तो पीड़िता खुद यहाँ पे आई और उन्होंने यहाँ पे FIR लॉन्च करवाई। जयपुर में पटवारियों का आंदोलन आज भी जारी है, संपूर्ण कार्य बहिष्कार का फैसला उन्होंने वापस ले लिया है और आज से कार्य बहिष्कार उन्होंने किया था जिसकी चेतावनी दी है और 3600 ग्रेड पे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं ये पटवारी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में, मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। शहर में करीब 5 महीने पहले UP की रहने वाली एक महिला से गैंगरेप कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले 3 आरोपियों को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं सोमवार को एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लामा ने बताया
कि गिरफ्तार अभिषेक, मोंटी और संजू बंगाली हैं। ये सभी जयपुर में रह रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ, इंदौर व जयपुर शहर में विभिन्न जगहों पर पुलिस टीमें भेजी गई थी। अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम बाहर भेजी गई। एडिशनल कमिश्नर लामा ने बताया कि कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक महिला के साथ गैंगरेप का वीडियो वायरल होने की जानकारी मिली और इस वीडियो में महिला व एक पुरुष की तस्वीर के अलावा अन्य व्यक्तियों की आवाज़ थी। इसके अलावा एक व्यक्ति द्वारा महिला के साथ पिटाई की जा रही थी और वीडियो में आ रही आवाज़ से पता चला कि आरोपी जयपुर के रहने वाले हैं। पाली जिला कलेक्टर अंशदीप और जिला परिषद के निर्देशन अनुसार राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं पूरा काम पूरा दाम नरेगा जागरूकता रथ को आज मारवाड़ जंक्शन विकास अधिकारी किशन सिंह द्वारा हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। यह नरेगा जागरूकता रथ मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति के सभी ग्राम पंचायतों पर जाकर के जागरूकता संदेश देगा। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत राज्य सरकार के जल कल्याणकारी योजनाओं को लाभ उठाने और जागरूकता संदेश देने का प्रचार प्रसार करेगा। आज मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति से समिति कर्मचारियों एवं विकास अधिकारियों के निर्देश से उपस्थित में यह नरेगा पूरा काम पूरा नाम जागरूकता संदेश रथ को झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। राजकीय अस्पताल के कर्मचारियों ने आज 2 घंटे कार्य का बहिष्कार कर सरदार शहर में धरना प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि 20 फरवरी की रात्रि को नर्सिंग कर्मी सोनाराम के साथ NSUI जिला अध्यक्ष किशन सिंह पर नर्सिंग कर्मी के साथ मारपीट का आरोप है। राजनीतिक पहुंचते चलते हुए आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने से चिकित्सा कर्मियों में भय भी व्याप्त है और चिकित्सा कर्मियों ने बताया कि 17 दिन बाद भी उक्त घटना में अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हालांकि हमने इस मामले को लेकर उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन दिया है और जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक चिकित्सा कर्मी रोजाना 2 घंटे कार्य का बहिष्कार करेंगे। फिर भी अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूर्ण कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। इस दौरान अस्पताल में आने वाले मरीजों को इलाज के लिए इधर उधर भटकते देखा गया तो वहीं गंभीर मरीज अस्पताल परिसर में परेशान होते नजर आए, जिसको लेकर के उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर अपनी नाराजगी जाहिर की और प्रदर्शन में अस्पताल प्रभारी राजेश गुप्ता सहित समस्त स्टाफ ने शामिल होकर के पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। विधानसभा में सोमवार से वैक्सीनेशन यानी कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। सबसे पहला टीका उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने लगवाया और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने अपनी विधानसभा की PSC में टीका लगवाया है। पहले दिन कुल 196 सदस्यों में से 37 विधायकों ने ही कोविशील्ड लगवाई और 5 विधायक पहले ही वैक्सीन लगवा चुके हैं और इस तरह मौजूदा विधानसभा में मौजूद 45 साल से ज़्यादा उम्र के कुल 102 विधायकों में से 42 का टीकाकरण हो चुका है। पहले दिन महिला विधायकों ने भी वैक्सीन लगवाई है। 45 साल से कम उम्र के विधायकों को इस टीकाकरण अभियान से बाहर रखा गया। नोखा विधायक बिहारी लाल विश्नोई टीका लगवाने के लिए पहुंचे तो उन्होंने यह कहते हुए लौटा दिया कि उनकी उम्र 45 से कम है, यानी 45 से ऊपर के 60 ही विधायकों को टीका लगना बाकी है। वहीं टोंक में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ टोंक पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। 102 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया है और करीब 4 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। SP ओम प्रकाश के निर्देशों पर कार्रवाई की गई थी और नाहरवाड़ी निवासी आरोपी रामधन को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान आरोपी कमलेश नाम का आरोपी फरार हो गया है। खबर उदयपुर वाटी से, जहां NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। उदयपुर वाटी कस्बे में घूम चक्कर के नजदीक NSUI प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान पालिका अध्यक्ष रामनिवास सहित कई लोग मौजूद रहे। NSUI के दिनेश ओलखा ने कहा कि पहली बार प्रदेश अध्यक्ष के आने पर युवाओं ने जोश दिखाई है। NSUI मजबूत होगी और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगामी 12 मार्च को संसद का घेराव किया जाएगा और नौजवान अधिक से अधिक संख्या में पधारे। इस दौरान NSUI की कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभापति महोदय को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। आप अपने आशीर्वचन देने
हम एनएसआई परिवार के सदस्यों के बीच में आप पधारे। मैं भाई दिनेश और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, इनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जिस तरह से एनएसआई को इन्होंने एक मजबूती यहां उदयपुर वाटी में दी है और लगातार एनएसआई परिवार को एकजुट और मजबूत करने का काम दिनेश जी और उनकी पूरी टीम कर रही है, आप लोगों का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। मैं अभी सभापति महोदय ने एक बात कही कि इन लोगों को कोई जयपुर से संभाले या नहीं संभाले, ये लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं। मैं और तो मुझसे कुछ भोग नहीं हो, पर इस बात के लिए आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूँ, आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, आप लोगों को जीवन में इस बात का मलाल नहीं रहेगा कि प्रदेश की राजधानी में आप लोगों की बात सुनने वाला और आप लोगों की बात खाने वाला। उदयपुर वाटी में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष श्री अभिषेक जी चौधरी बता रहे थे, यहाँ एनएसयूआई की टीम ने उनका जोरदार स्वागत किया है, उनका सत्कार किया है और प्रदेश अध्यक्ष के उदयपुर वाटी आने से उदयपुर वाटी की एनएसयूआई टीम में एक जोश आया है और वे बड़े जोश के साथ वो आगे काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने ये आह्वान किया है कि आगामी 24 तारीख को संसद का घेराव किया जाएगा, उसमें उदयपुर वाटी के लोग भी एनएसयूआई की टीम शामिल होंगे। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानवाधिकार संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनीता जैन को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानवाधिकार संगठन के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान सिंह लाबराव ने संगठन के राष्ट्रीय संयोजक महावीर पारिक की अनुशंसा पर टीम का विस्तार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कहा कि सामाजिक परिवर्तन व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए संगठन के महिलाओं की भूमिका समाज में अहम व नेतृत्वकारी की होती है, इसलिए समाज सही दिशा में जाए इसकी देखरेख का जिम्मा महिलाओं द्वारा उठाया जाए, साथ ही न्याय तक सभी की पहुंच सुलभ हो सके इसके लिए सभी मिलकर संगठन को मजबूत करने के लिए जी जान से प्रयत्न करें। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते हुए आरटीआई व मानवाधिकार के क्षेत्र में निष्ठा व लगन को देखते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सहायक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त अजमेर निवासी श्रीमती सुनीता जैन को राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानवाधिकार संगठन के महिला प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। नवनिर्वाचित महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संगठन ने मुझे दायित्व सौंपा है, उसको मैं कर्तव्य निष्ठा से निभाते हुए संगठन को संपूर्ण भारत में मजबूती की ओर ले जाऊंगी। साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार ने देश को दीमक की तरह नष्ट कर दिया है, उस पर लगाम लगाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले क्रांतिकारियों की टीम तैयार करते हुए संगठन को आर्थिक मजबूती के साथ जरूरी सुधार के सभी प्रयत्न किए जाएंगे। वही खबर गटरा रोड से, जहां दो दिन के भाजपा प्रशिक्षण शिविर में आज भाजपा नेता स्वरूप सिंह ने संबोधन किया है। गडरा रोड में सुथार नियति नोहरा में प्रारंभ हुए दो दिवसीय भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा ने कहा कि भाजपा एक पार्टी नहीं अपितु एक परिवार है, देश की अस्मिता की रक्षा और समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा यही हमारा लक्ष्य है। प्रत्येक कार्यकर्ता का ये दायित्व है कि हम पार्टी की रीति नीति और विचार को जन जन तक पहुँचाए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता किशन तामलोरिया हितेश राठी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हमें सतत संवाद संपर्क और प्रवास करना चाहिए, नए क्षेत्रों में प्रवास और बैठक करके नए नए कार्यकर्ता बनाना चाहिए, अपनी पार्टी के आधार को बढ़ाना चाहिए। वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम सिंह सोड़ा ने कहा कि सोशल मीडिया टाइम पास का साधन नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग से कई देशों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, वहीं सोशल मीडिया के गलत उपयोग के कारण कई देशों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। वही खबर सेडवा से, जहां धमकियां देकर पैसा ऐंठने से परेशान है पंचायत सहायक, आइए देखिए क्या है ये पूरा मामला। आज से करीब 3 माह पहले युवक को अपहरण कर फिरौती मांग कर रहे अपराधी एक बार फिर से सक्रिय हो चुके हैं। दरअसल उक्त मामला 25 दिसंबर 2020 का है कि काचवा राम पुत्र पीरा राम को नामजद आरोपियों द्वारा अपहरण किया गया, जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना सेडवा में दर्ज कराई गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवक को बचा लिया तथा अपराधियों द्वारा युवक पर दबाव बनाया तथा अश्लील वीडियो बनाकर अपने पास सुरक्षित रख कर रखा था।
अब वीडियो वायरल कर पैसा अटने की धमकियां दी जा रही हैं। काचबा राम खुद को असहज महसूस कर रहा है। मामला बहुत ही संगीन है। अगर समय रहते अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो युवक दहशत में जीवन जी रहा है। उक्त मामला पुलिस थाना सेड़वा के 187/2020 दर्ज है, लेकिन फिर भी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि खुलेआम सोशल मीडिया पर कथित वीडियो वायरल कर रहे हैं तथा पीड़ित युवक से पैसे मांग कर रहे हैं। आकाश बाराम, आपको धमकियां कौन देते हैं? रमेश कुमार मंगलाराम दादा का है। अच्छा, व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, धमकियां देता है, अपराधी पकड़ लिए जाएंगे, ऐसे कर लिए। अच्छा, आपने जवाब क्या दिया? ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करता है। अच्छा, हमेशा दो बार किया। अब पुलिस प्रशासन ने क्या कहा आपको? पुलिस प्रशासन ने कहा कि हम बिल्कुल पकड़ लेंगे, उनकी कोशिश। अच्छा, कब से धमकी आ रही है? 5-10 दिन। अच्छा, हमेशा धमकी देता है? नहीं, दो बार। आज क्या बोला उन्होंने? आज उन्होंने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे। अजीतगढ़ के त्रिवेणी नगर गार्डन में 2 दिन से चल रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो गया है। अजीतगढ़ कस्बे के त्रिवेणी गार्डन में भारतीय जनता पार्टी के अजीतगढ़ देवराला मंडल के कार्यकर्ताओं की 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर मंगलवार को संपन्न हो गई। शिविर के द्वितीय दिवस पर सत्र का शुभारंभ राजस्थान प्रदेश शिविर प्रभारी विराटनगर के पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा ने भारत माता के व पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समीप दीप प्रज्वलित कर किया। अजीतगढ़ नगर 2 दिवसीय शिविर में मंडल पदाधिकारियों ने उपस्थित रहकर वक्ताओं से पार्टी के विभिन्न सत्रों में पूर्व विधायक झाबर सिंह खर्रा, एडवोकेट रामकिशन सैनी मनोज ने संबोधित किया और शिविर में अजीतगढ़ मंडल अध्यक्ष बोधुराम बुनकर, अजीत नगर अध्यक्ष दिनेश शर्मा, महामंत्री गोपाल मंगवा, उपाध्यक्ष प्रेमलता शर्मा, जगदीश चौधरी, पूर्व प्रधान मक्खनलाल शर्मी, फूलचंद सैनी समेत अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वही कल 8 मार्च को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। कल वसुंधरा राजे समर्थक मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा महवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्मदिवस मनाया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं के द्वारा अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए एवं इस अवसर पर श्रीमती राजे ने दीर्घायु होने की कामना की व बधाई भी दी। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने मरीजों से कुशल पूछा एवं सैकड़ों मरीजों को फल वितरित किए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वसुंधरा समर्थक मंच दिनेश पाटोली, पार्षद सुभाष बालाहेड़ी, जिला उपाध्यक्ष वसुंधरा समर्थक मंच हरिमोहन समलेटी, शाहरुख मिरासी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बीके शर्मा ने वैक्सीनेशन करवाया है। एनआईए जोरावर सिंह गेट जयपुर में वैक्सीनेशन उन्होंने करवाया। एनआईए के निर्देशक प्रोफेसर संजीव शर्मा के निर्देशन में वैक्सीनेशन करवाया गया। साथ ही सभी पत्रकार साथियों से अपील भी की है कि वह भी वैक्सीनेशन करवाएं। वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं से ये अपील करूंगा कि स्वस्थ जीवन के लिए आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं, जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप राष्ट्र की सेवा कर सकें। ये मेरा आप सब लोगों से अपील है, अनुरोध है, जिससे कि आप स्वस्थ रहकर राष्ट्र की सेवा कर सकें। मैंने आज वैक्सीनेशन कराई, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई और मैंने आके ये चीज देखी कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी और आरामदेह, लाभदायक और हमारे जो एनआईए के जो राष्ट्रीय एनआईए के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के डायरेक्टर महोदय संजीव शर्मा की काफी प्रयासों से जो यहां सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और यहां के सभी स्टाफ के लोग
बधाई के पात्र हैं, साधुवाद है। और हम चाहेंगे कि दिनों दिन ये आयुर्वेद संस्थान तरक्की करे, उन्नति करे, और इस तरक्की और उन्नति में हम और हमारा राष्ट्रीय पत्रकार संघ का कोई भी सेवा होगी उसके लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। और अंत में मैं यही चाहूंगा कि ऐसे संस्थान में दिन प्रतिदिन सुविधाएं बढ़ती जाए। राजस्थान में राजस्थान सरकार के सहयोग से जो ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कोविड 19 के लिए चल रहा है, बहुत सफल कार्यक्रम चल रहा है। और मैं लोगों से, आम नागरिकों से भी ये निवेदन करूँगा कि अधिक से अधिक लोग ये वैक्सीनेशन करवाएं। पूरे भारत में प्रत्येक नागरिक को ये वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, ताकि इस महामारी के प्रकोप से हम व्यक्तिगत रूप से, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश सुरक्षित रहे, तभी हम उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। अगर कोई भी इस चक्कर से छूट जाता है तो वो अपने लिए तो खतरा है ही है, लेकिन समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए मेरा निवेदन सभी आमजनों से है कि अधिक से अधिक जहाँ भी आपके नज़दीक सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर ये कार्यक्रम चलाएं, ये वैक्सीनेशन जो करवाएं। और हमारे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में ये लगातार ये कार्यक्रम वैक्सीनेशन का राजस्थान सरकार के सहयोग से चल रहा है, तो मैं अधिक से अधिक लोगों को यहाँ भी रजिस्ट्रेशन करवा करके वैक्सीनेशन का अपील करूँगा। वही खबर गडरा रोड से, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। बाड़मेर जिले की पंचायत समिति गडरा रोड कस्बे में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गडरा रोड में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। वार्षिकोत्सव में गडरा रोड पंचायत समिति के ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी रमेश खत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया वार्षिक उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विद्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवी एवं शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। वहीं विद्यालय में प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कार वितरण किया गया। इसी मौके पर पूर्व प्रधानाचार्य मदन लाल शर्मा ने भी संबोधन कर आए हुए अतिथि एवं छात्रों को वार्षिक उत्सव के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर मंच का संचालन राजेश कुमार ने किया। वहीं शिक्षक दान दे थाना आए हुए मेहमानों को धन्यवाद दिया। मयंक प्रधानाध्यापिका दुर्गा चौधरी आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। वहीं विद्यालय परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां अतिरिक्त महिला उपायुक्त सुनीता मीणा ने कल महिला दिवस पर महिलाओं को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त एवं निर्भया स्क्वाड की नोडल अधिकारी सुनीता मीणा ने कहा है कि महिलाएं ना तो कल किसी से कम थी, ना ही आज किसी से कम है, ना कल किसी से कम होंगी, क्योंकि हम यह मानते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो भारत की बेटी ना कर सके, क्योंकि हम में जोश और जुनून है, उत्साह है, कुछ करने की तमन्ना है। इतना कुछ होने के बावजूद कुछ महिलाएं अपने आप को शोषित समझती हैं, कमजोर मानती हैं, वास्तव में वो अपनी शक्ति भूल चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन उन्हें उन शक्ति को याद दिलाने की जरूरत है। यही कार्य हम आज कर रहे हैं, हर महिला को उनकी आंतरिक शक्ति याद दिला रहे हैं, उनमें आत्मविश्वासी बना रहे हैं, ताकि वह अपनी लड़ाई खुद लड़ सके एवं अपनी जिंदगी की शर्तों पर जी जा सके, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। महिलाओं का साथ होने के लिए जयपुर पुलिस एवं निर्भया स्क्वाड हमेशा महिलाओं के साथ है। वही खबर जयपुर के वैशाली नगर से, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से महिला दिवस मनाया गया। भारत पथिक संस्थान के उप सचिव अनिल चंद्रा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत पथिक संस्थान जयपुर के सौजन्य से 8 मार्च सोमवार 2021 को महल रजवाड़ा रिसोर्ट वैशाली नगर जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। समारोह की मुख्य अतिथि पूर्व आईएएस एलसी असवाल एवं लोकप्रिय पार्षद राखी राठौर, मुख्य वक्ता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा हिंगोनिया एवं विशिष्ट अतिथि समाज सेविका दमयंती बाकोलिया उपस्थित रहीं। इस अवसर पर समाज में ख्याति प्राप्त 31 महिलाओं को मातृशक्ति सम्मान से अलंकृत किया गया। सभी महिलाओं को राजस्थानी साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में सीमा हिंगोनिया ने महिलाओं को महिला कानून के बारे में बताकर उन्हें इन कानूनों के बारे में जागरूक रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर गरीब महिलाओं को साड़ियां भेंट की गई। इस महिला सम्मान समारोह के संरक्षक रंजीत सिंह राठौर, फूलचंद बिलोनिया एवं स्कूली बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।
नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि कल राजस्थान के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह का निधन हो गया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि कल उन्होंने सुबह अपनी अंतिम सांस ली है। वह 86 वर्ष के भी हो चुके थे। और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि उनके निधन पर एक दिन का राजस्थान के अंदर राजकीय अवकाश भी घोषित किया गया। साथ ही साथ उस राष्ट्रीय ध्वज को आधा एक दिन के लिए झुका भी दिया गया था और विधानसभा को भी एक दिन के लिए रोक दिया गया था। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि जयपुर पुलिस ने चलती कार के अंदर सामूहिक बलात्कार का खुलासा किया है। 3 कारें जो राजधानी जयपुर के अंदर सड़कों पर दौड़ती रही और उन तीनों कारों के अंदर 12 लोग सवार थे। बारी बारी से उन्होंने यूपी की एक महिला के साथ में बलात्कार किया है। पहले एक गाड़ी, फिर दूसरी गाड़ी और फिर तीसरी गाड़ी। बारी बारी से तीनों गाड़ी के अंदर उस महिला को लेकर के गए और बलात्कार किया गया। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता दूं कि इस रेप का खुलासा 4 माह के बाद में राजधानी जयपुर के अंदर किया गया है। उस महिला को वीडियो बनाने के बाद में ब्लैकमेल भी किया जा रहा था और अब यह मामला मानसरोवर पुलिस के अंदर आ चुका है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता देता हूं कि अलवर के अंदर बलात्कार का आरोपी थानेदार भरत सिंह को अब लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि अब उन्हें जेल भी भेज दिया गया। तो वहीं जेल भेजने के बाद में उन्हें रात में हवालात में ना रखते हुए उनको रीडर रूम के अंदर रखा गया और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि इसमें उन जिस रूम के अंदर बलात्कार किया गया था उस रूम को सीज भी नहीं किया गया। और कई ऐसे तमाम बड़े खुलासे हैं जो इसके अंतर्गत करने बाकी हैं। आप सभी को एक बात और बता देता हूं कि पेट्रोल और डीजल की दामों में लगातार वृद्धि ही हो रही है और इस वृद्धि के चलते हुए आम जनता परेशान है। लेकिन सरकार के इस पेट्रोल और डीजल में वृद्धि से काफ़ी राजस्व को फायदा हुआ है। अगर हम राजस्व की बात कर रहे हैं तो आप सभी को राजस्व के बारे में मैं बताता हूँ। राजस्व में 2020 और 21 के वर्ष के अंदर 2.94 लाख करोड़ रुपए का राजस्व का फायदा हुआ है। तो वहीं अगर हम पहले की बात करें तो 2013 के अंदर यह मात्र 55,537 करोड़ रुपए तक ही राजस्व कमाया गया था। और वहीं साथ ही साथ अब पिछले ईयर की बात करें तो 2019-20 के अंदर 1.78 लाख करोड़ रुपए का राजस्व आया था। तो वहीं 2018 और 19 के अंदर 2.13 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। साथ ही साथ आपको सभी को बता दूं कि 2013 और 14 के अंदर 55,000 करोड़ रुपए वसूले गए थे। और वहीं अगर पिछले 2.5 साल की बात करें तो पिछले 2.5 साल के अंदर पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा करके 32.90 रुपए तक प्रति लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है और इसमें दोगुने से ज़्यादा टैक्स बढ़ाया गया। तो वहीं अगर डीजल की बात आप सभी को बता दूं तो डीजल के अंदर भी 31.80 रुपए प्रति लीटर का टैक्स बढ़ाया गया है। साथ ही साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार। वहीं जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्टूडेंट्स द्वारा काफी रंगारंग कार्यक्रम और एक्टिविटीज की प्रस्तुति की गई। वहीं जयपुर में युवाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। युवाओं में काफी उत्साह व उमंग देखने को मिला। विद्यार्थियों द्वारा वुमेन हेल्पलाइन व जागरूक पेंटिंग के पोस्टर्स बनाए और जगह जगह उन्हें लगाए गए। साथ ही शिप्रापथ पुलिस स्टेशन में जाकर पोस्टरों का विलोचन भी किया। इस अवसर पर सब इंस्पेक्टर अमर सिंह ने महिला दिवस का महत्व बताया, साथ ही खुद की रक्षा के गुण बताए। समाज में ऐसी ही भागीदारी और काम करने के लिए विद्यार्थियों की तारीफ की। वहीं पुलिस के सभी जवानों ने विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया, साथ ही भविष्य को लेकर शुभकामनाएं भी दी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराकर के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली, जो कि 18 जून को इंग्लैंड में होना है। हालांकि इस दौरान
श्रीलंका में एशिया कप का आयोजन होगा। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर टीम इंडिया कैसे इन दोनों प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी। अब बीसीसीआई ने इसका हल निकाला है। न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई श्रीलंका में आयोजित होने वाले एशिया कप में दूसरे दर्जे की टीम भेजेगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिल्म जगत के कलाकारों की आमद नई बात नहीं है। मुनमुन सेन, बाबुल सुप्रियो के अलावा करीब एक दर्जन नाम हैं जो सीधे तौर पर बंगाल की सियासत में मनोरंजन जगत से जुड़े हुए हैं। इस फहरियत में नाम रहा है मिथुन चक्रवर्ती की, जो आगामी चुनाव के मद्देनज़र पूरे जोश के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। पहले से बंगाल की राजनीति में रहा एंटरटेनमेंट दुनिया का यह नाम बेहद खास है और अब दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी इससे फ़ायदा किस तरह उठाने वाली है। वित्त वर्ष 2020-21 शुरू होने से पहले ही कोरोना के चलते लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था। 3 से 4 महीने तक सभी तरह की गतिविधियां रुक सी गई थी। लॉकडाउन हटने के बाद भी हालात एकदम से सामान्य नहीं हो पाए। बावजूद इसके यूपी की संस्था यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लॉकडाउन के दौरान रेवेन्यू की रिकॉर्ड कमाई की है। रेवेन्यू के मामले में अथॉरिटी ने बीते वित्त वर्ष के अपने सभी रिकॉर्ड भी तोड़ दिए और यह सब मुमकिन हुआ है ऑनलाइन से, जब लोग कोरोना के डर से कहीं आना जाना तो दूर अपने घर से बाहर निकलने में भी डरते थे, तो अथॉरिटी ऐसे में ऑनलाइन अपनी ज़मीन बेच रहा था। IPL 2021 का आगाज होने में अब ठीक महीना भर बचा है और उससे पहले न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने सनराइज हैदराबाद की धड़कनें बढ़ा दी हैं। विलियमसन चोटिल हो गए और चोट के चलते वह बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए हैं, जो 20 मार्च से शुरू होने वाली है। यही नहीं, विलियमसन की चोट ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। सरकारी विद्यालयों में स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाना शिक्षकों को भारी पड़ गया। पढ़ाई में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के प्रति शिक्षा विभाग ने सख्त रवैया अपना लिया है। शिक्षा विभाग ने जोधपुर संभाग के 400 से अधिक शिक्षकों को बच्चों को नहीं पढ़ाने पर नोटिस थमा दिया, तो वहीं 20 ऐसे शिक्षक हैं जिनका आगामी 1 साल के लिए वेतन वृद्धि रोक दी है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है और वहीं शिक्षा विभाग के अनुसार वर्ष 2019-20 के सत्र में 10वीं बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम परिणाम देने वाले जोधपुर मंडल के जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिले के 400 से अधिक शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। मॉर्निंग अपडेट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।